बैठू कि नहीं बैठू? बैठू। बैठू बेहुदा फूल। अरे नहीं चाहता तो क्या हूँ मैं बैठू इस सिंहासन पे? रखना याद कि हूँ मैं यहाँ विनाश लोक का राजा दो दिन के लिए, क्योंकि है कई महाविनाशनी और शातिर परी शक्ति लोग करने हासिल शक्तियाँ। अब नहीं रोक सकता कोई मुझे सिंहासन पर बैठने से, क्योंकि हूँ मैं अब यहाँ का राजा। दरबारियों चलो अब लगाओ मेरी शान में कुछ बेहतरीन नारे। चलो तौबा तौबा महान है विनाश लोक की शान है, तौबा तौबा महान है विनाश लोक की शान है, तौबा तौबा महान है विनाश लोक की शान है। रुको 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 है अरे मुझे छींक। राजकवि गाओ मेरी प्रशंसा में कुछ मधुर गीत। शुरू हो जाओ। साला मैं तो सा बन गया, साला मैं तो सा बन गया, बहुत अच्छे। ये सा बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो सा बन गया। हो गया बहुत ये राजा राजा का खेल, अब कर लेता हूँ थोड़ा काम, ताकि आ जाए वापस जब महाविनाशनी तो देखकर वो काम हो जाए वो खुश और बनाए मुझे अपना प्रधान। लेकिन होगा वो कौन सा काम, कुछ तो बात सोच सोच लिया। अब देखना श्री श्री तोबा तोबा जी का कमाल। ओ मैन, एंग्री बर्ड में तेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? ओ मुझे मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है माइटी ईगल। बल्लू मानव ने मुझे पूछा तो बीच में क्यों कूदा? अब बीच में कूदने के लिए सॉरी मैन। मानव मुझे लगता है कि मेहर का सबसे फेवरेट कैरेक्टर हॉट हेड रेड होगा। क्योंकि हॉट हेडेड भी छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और किधर भाग रही हो? नील कहाँ चला गया? नील नील महाविनाशनी का बनाया हुआ जादू यंत्र कक्ष, जहाँ पर है रखती वो तरह तरह के जादू यंत्र संभाल के। और इस मनहूस महाविनाशनी ने नहीं भटकने दिया कभी मुझे इस कक्ष के आसपास भी। वो है नहीं वो यहाँ आसपास, उठा लेता हूँ इस बात का भरपूर फायदा और चुरा लेता हूँ कुछ जादू यंत्र अपने साथ, ताकि कर सकूं मैं कोई बड़ा काम, ताकि हो जाए मेरा नाम। अच्छा तो खुले
करेगा नहीं तू ऐसे, दिखानी पड़ेगी तुझे तोबा तोबा की कारीगरी। क्यों नहीं रहा ये दरवाजा? खुल जा, अरे खुल जा ये जिद्दी दरवाजे। खुल गया? इसका मतलब है खुलता ये दरवाजा? खुल जा जिद्दी दरवाजे बोलने से। अरे वाह, चलो खुल तो गया। ये यंत्रपाश बहुत ही खतरनाक, रखना होगा मुझे कदम फूंक फूंक के यहाँ पर। यंत्र मुझसे रखा था छुपा कर, मुझसे उस मनहूस महाविनाशी ने, श्री श्री तोबा तोबा जी से। मनीष, मोनिका ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि वो एंग्री बर्ड किसके साथ देखने जाने वाली है। कर लेगी, जल्दी डिसाइड कर लेगी। जब हम उसके हाथ में फर्स्ट डे फर्स्ट शो की 3 टिकट देंगे तब तो हमारे साथ ही आएगी ना मूवी देखने। हाँ, ग्रेट आइडिया, चलो एडवांस बुकिंग कर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो 3 टिकट। जाओ 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 पिद्दियो, जब तक तुम लोग थिएटर पहुंचोगे ना तब तक ये मॉन्टी द ग्रेटेस्ट लखाना अपने मोबाइल से मोनिका के लिए टिकट बुक कर लेगा और उसको इंप्रेस भी कर चुका होगा। जाओ जाओ। अरे मोंटू बॉस रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो? एंग्री बर्ड्स की मूवी की टिकट बुक कर रहा हूँ मोनिका और मेरे लिए। आपको क्या बार बार एक ही गलती करने में मजा आता है क्या? मतलब ये पिद्दू जानबूझकर मोनिका की पसंद और नापसंद के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं और अब गधे उल्लू बेवकूफ की तरह मोनिका की नापसंद को सही पसंद समझकर उसको पूरा करने में लग जाते हो। हाँ यार रोहित, उन पिद्दू ने मुझे बताया कि मोनिका का पिंक कलर बहुत फेवरेट है, पर मोनिका तो उससे नफरत करती थी। अब जली गेंडे की ट्यूबलाइट। हाँ, अब जली ना आपकी ट्यूबलाइट। अच्छा मोंटू बॉस, अगर इन पिद्दू ने ये कहा है कि मोनिका को एंग्री बर्ड्स की मूवी देखनी है, इसका मतलब ये है कि मोनिका को कोई और मूवी देखनी है। तो मोंटू बॉस, आप उसे प्यार में लग गई व्हाट मूवी दिखाने लेके जाओ। हाँ, वो नई रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, वो आपसे इम्प्रेस भी हो जाएगी। हाँ, वाह रोहित, तू ये मेरा असली चमचा। यस, हो गई पिक्चर की 2 टिकट है वो। यस, ये लो मोनिका भी आ गई। मोनिका ये देखो, मैंने तुम्हारी और मेरे लिए पिक्चर की टिकट बुक की है। व्हिच फिल्म? फिल्म प्यार में लग गई बात। व्हाट? व्हाट नहीं, प्यार में लग गई बात। ये फिल्म है ना, ये रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म है, हम दोनों एक साथ देखने जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। एक साथ? नो वे, मोनिका ऐसी फिल्में नहीं देखती है। मोनिका तो एंग्री बर्ड मूवी देखने जाएगी। तू एंग्री बर्ड?
ठीक है मैं भी एंग्री बर्ड की टिकट बुक करता हूँ। प्यार में लग गई वॉट कैंसिल, एंग्री बर्ड की टिकट बुक करता हूँ। नो 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 नो, कैंसिल मत करो। मोनिका ने डिसाइड कर लिया कि वो किसके साथ मूवी देखने जाएगी। वो मूवी देखने जाएगी नील मनीष के साथ। वाओ, इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। व्हाई नॉट, कम कम। तो बस आप बिल्कुल एंग्री बर्ड की तरह लग रहे हो। क्या बोला था? प्यार में लग गई वाट। अब देख ये एंग्री बर्ड कैसे तेरी वाट लगाता है। छोटी भी उसकी तरह रखी है, गुस्सा भी उसकी तरह करते हो। कितनी धूल इस पर, नहीं करती ढंग की साफ सफाई की वो महाविनाशनी। पता नहीं है चलता भी या नहीं ये। इधर ये महाविनाशनी और उधर वो नटखट परी, है करती रहती हमेशा कोई ना कोई आविष्कार। जाऊंगा एक दिन परिलोक और चुरा लूंगा कई सारे जादू यंत्र परिलोक से। अरे देख लिया कहीं परियों ने मुझे, तो जाऊंगा पकड़ा मैं। अरे रुक क्या, अरे छुपू कहाँ मैं। लेकिन लेकिन है सबसे बड़ा सवाल ये कि गया कैसे पहुंच पाए परी लोग। चाचा है ये यातायात यंत्र। हाँ मैंने ये चिन्ह, ये ऐसे लेते हुए परिलोक का नाम और गया था पहुंच में यहाँ पर परिलोक। इसका मतलब दबाओ अगर ये चिन्ह लेकर किसी स्थान का नाम तो है पहुंचा देता यंत्र उसी स्थान पर। अरे वाह, है ये कमाल का यंत्र है। हूँ दबा देता अभी ये चिन्ह और हूँ पहुंच जाता विनाश लोक। गया कोच में विनाश लोक बच गया पाल पाल। सर ने भैया किसने बुलाया होगा? लगता है कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं, सर तो कोई हमें सरप्राइज भी देने वाले। सरप्राइज? वाओ बच्चों, वाह 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 बच्चों, वेरी गुड। आप सबको देख के ऐसा लग रहा है कि आप सब सरप्राइज के लिए तैयार हो। गुड, मैं सरप्राइज दूंगा लेकिन पहले डिसिप्लिन। चलो सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। तो मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूं आपका स्पेशल सरप्राइज, द एंग्री बर्ड मूवी से डक रेड और बॉम डालिया।
ये है चक बम एंड रेड। लेकिन हमें इनसे डिसिप्लिन भी मिलना है। डिसिप्लिन सबका इसका अगला पार्ट तो सुनो। अभी थोड़ी ही देर में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिसमें हमारा स्कूल भी हिस्सा ले रहा है, जिसमें सारे स्कूल से 10 बच्चों की एक टीम पार्टिसिपेट करेगी और जो टीम जीतेगी उसे एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। जो भी टीम एक पीस जीतेगी उन स्कूल के बच्चों को एंग्री बर्ड मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग दिखाई जाएगी। अरे वाह, है ये कमाल का यंत्र। मैं पूछ सकता हूँ कभी भी कहीं भी इस यंत्र की मदद से। चलो आता हूँ मार के चक्कर पृथ्वी लोक पर। हे पृथ्वी लोक, पांच भाई पृथ्वी लो है ये कमाल का यंग। बलू तू पागे विनाश को। अरे अरे बच गया पाल पाल। हाँ बचा लिया इस यंत्र ने मुझे, वरना देख लेता बल्लू और पालवीर मुझे तो रहता नहीं मैं कहीं का। बस मिल जाए मुझे ऐसे ही कुछ दो तीन यंत्र तो हूँ कर सकता मैं अपनी मनमानी। पानी को बना सकता हूँ पत्थर और पत्थर को बना सकता हूँ पानी। है नहीं है विस्फोटक, है ये तो मामूली गोला। होता क्या है इस यंत्र से? दिखाया अजीब सा। चुए, रुक जा, रुक जा वरना। हैं? हो गया ये तो स्थिर। अच्छा अच्छा अच्छा। स्थिर यंत्र आएगा मजा। रुक जा चूहे, दिखाता हूँ अब तुझे। क्यों चूहे भागेगा? भाग भाग। अरे गया भाग। अरे वाह, है ये तो कमाल का यंत्र। हाँ चलाओ, अगर ये यंत्र कोई भी चलती हुई चीज पे तो हो जाती वो स्थिर और फिर से अस्थिर भी। अरे वाह, हे वो करता एक काम, चला लेता हूँ इसे अपने आप पर। नहीं नहीं, अगर हो गया मैं स्थिर तो करेगा कौन मुझे अस्थिर। नहीं नहीं, रख दो इसे, ये भी बड़ी काम की चीज है। अब हो ढूंढ लेता मैं कोई शक्तिशाली और बलशाली जादू यंत्र।
हाँ तो बच्चों, आप सबको और इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले बाकी स्कूल के बच्चों को क्विज खेलने के लिए एक स्पेशल डिवाइस दिया जाएगा, जो कि एक ऑनलाइन जजिंग कमिटी के साथ कनेक्टेड होगा। तो आपके डिवाइसेस पर हर 30 सेकंड में एक क्वेश्चन अपीयर होगा, जिसके आंसर्स के तीन ऑप्शन होंगे। उस तीन ऑप्शन में से सही जवाब आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर सिलेक्ट करना है। फिर जिस स्कूल के बच्चों के आंसर सबसे ज्यादा सही होंगे वो कहलाएगी इस कॉम्पिटिशन की विनिंग टीम। अरे वाह, इन यंत्रों की मदद से करूंगा मैं कुछ ऐसा कारनामा कि हो जाए कि महाविनाशी मजबूर मुझे अपना प्रधान बनाने के लिए। तो बच्चों, आर यू ऑल रेडी? यस सर। वेरी गुड। तो आपसे ठीक एक मिनट बाद आपके डिवाइसेस पर क्वेश्चन अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। मोंटू बॉस, वो एंग्री बर्ड में सबसे पहले दिखने वाला बर्ड कौन सा है, ब्लू या ब्लैक? इसका आंसर रेड है। रेड टिक कर। ओके। जल्दी जल्दी जवाब देना वरना जीत नहीं पाएंगे हम लोग। एंग्री बर्ड इतने गुस्से में क्यों है? अपने दुश्मनों को अटैक करने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल करते हैं? बुलेट। ओह वाह, वो एंग्री बर्ड्स में कौन सा बर्ड उड़ता है? माइटी ईगल। एंग्री बर्ड्स में सबसे ज्यादा बोलने वाला बर्ड कौन सा है? एंग्री बर्ड में सबसे ज्यादा बोलने वाला बर्ड है चक। चक। अच्छा, बर्ड आइलैंड पे एंगर मैनेजमेंट क्लास का टीचर कौन है? ए मटिल्डा। ठीक है। एंग्री बर्ड में से कौन सा बर्ड येलो कलर का है? सी माइटी ईगल। चलो बच्चों, सबका टाइम अप हो गया, अपने अपने डिवाइसेस मुझे आके दे दो। कम ऑन, जमा करो। तो बच्चों, आप सबके किस्मत का फैसला इन डिवाइसेस में कैद है। अब से ठीक 30 मिनट बाद हमारी ऑनलाइन जजिंग कमिटी इस क्विज का रिजल्ट बताएगी। देन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। अरे यार, 30 मिनट कैसे पास होंगे? हाँ, 30 मिनट तो 30 आवर्स जैसे लगेंगे।
घड़ी का आप सबको बेसब्री से इंतजार है, वो वक्त आ चुका है। एंग्री बर्ड क्विज कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली टीम है एबीपी विद्या मंदिर का। तो बच्चों जैसे कि आप सबको पता है, इस जीत के प्राइज के तौर पे आप सबके लिए अपने ही स्कूल के ऑडिटोरियम में एंग्री बर्ड मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी। मानो मेहर और बल्लू कुर्बानवीर, नहीं जानते तुम तीनों की होगा कल का ये चलचित्र तुम्हारी जिंदगी का आखिरी चलचित्र, क्योंकि करके कैद में तुम तीनों को इन जादुई यंत्रों की मदद से ले आऊंगा विनाश लोक और डाल दूंगा तहखाने। फिर होगी महाविनाश की मुझ पर बहुत खुशी, बनाएगी मुझे अपना प्रधान और फिर करेगी तुम तीनों का काम तमाम। नाम मेरा तोबा तोबा, कर दूंगा सबकी तोबा तोबा। पीछे जाके खड़ा हो, नहीं तो पीटूंगी। पीछे जाऊं? अभी जाता हूं। ए पिद्दियो, मॉन टू द ग्रेटेस्ट लगाने जा खड़ा होता है ना, लाइन वहां से चालू होती है। मेहर, बहुत हो गया इस मॉन्टो का, अभी मैं इसे अपने मैजिकल पावर से मजा चखाता हूँ। नहीं मानव, तुझे याद है ना रानी परी ने क्या कहा था, हम इन मैजिकल पावर्स को इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं यूज कर सकते, समझा? इसे हमें अपने तरीके से ही सॉल्व करना होगा। पीछे मत खड़े रहो, मॉन्टी द ग्रेटेस्ट लखानी ने तुम्हारे लिए यहाँ जगह पकड़ कर रखी है, तुम आगे आ जाओ। ओके। हाय मोनिका। हाय। जैसे मोंटू ने मोनिका के लिए आगे जगह दी, वैसे मोनिका तुम लोग के लिए आगे जगह दे रही। आजा आजा जल्दी आ। थैंक्स मोनिका। वेलकम। वैसे मेहर, तुम्हें लगता है कि यहाँ बालवीर आएगा? बालवीर यहाँ आ चुका है। कहाँ है वो? मतलब आएगा, वो जरूर मूवी देखने आएगा। हाँ, बालवीर ने तुझे फोन किया था ना? नहीं ऐसा नहीं है, मैं वो। हाँ तो चुप बैठना। मोनिका, इस भी बातों पे ना बिल्कुल मत ध्यान देना, ये बल्लू लल्लू है। ओके। बच्चे कितना उत्साहित है ना चलचित्र देखने के लिए। हार काती परी, बच्चों को खुश देखकर जो खुशी मिलती है वो किसी भी चीज में नहीं मिलती। हाँ विश्वास परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रानी परी, गुप्तचर परियों ने हमें अभी अभी ये संदेश दिया है कि महाविनाशनी अपनी नई शक्ति प्राप्त करने के लिए शक्ति लोक पर गई हुई है। क्या? रानी परी, हमें डर है कि अगर महाविनाशनी ने नई शक्तियां प्राप्त कर ली
तो वो बालवीर मानव महर से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। नहीं परी हो, इससे पहले हम मानव महर और बालवीर को यहाँ लेकर आएंगे और उनकी शक्तियों को बढ़ा देंगे। नटखट परी, आप जल्द से जल्द बालवीर को यहाँ बुलाइए। लेकिन रानी परी, बच्चे तो अभी चलचित्र देखने जा रहे हैं। रानी परी, क्या ऐसा नहीं हो सकता बच्चों को यहाँ बुलाने के बजाय हम उनके पास चले जाए? हाँ भटकाती परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो परियों, हम उनकी शक्तियों को यहाँ लेकर आएंगे और उन शक्तियों में नई ऊर्जा को भरकर उन शक्तियों को उन्हें वापस लौटा देंगे। आर पार परी, आप मानव और महर से मिलने जाएंगे। और भटकाती परी, आप जल्द से जल्द बालवीर को ये संदेश भिजवा दीजिए। जी रानी परी। चलो एक एक करके अंदर चलो सब। मानव, तुझे परियों का मैसेज मिला? परियां हमसे अभी मिलना चाहती हैं। चल यहीं बाहर रहकर उनका वेट करते हैं। चल। परियां मुझसे मिलने आ रही है। हटो। अरे ये दाढ़ी आज सुधरेगा नहीं कभी। मोनिका, तुम वड़ा पाव खाओगी या फिर समोसा? ए चिरकुट लोग, मोनिका ऐसे चिटुल पिटुल स्नैक्स नहीं खाती। मोनिका पॉपकॉर्न खाएगी, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, और वो सब मोनिका के लिए मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी लाएगा। तुम टेंशन मत लो, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी अभी तुम्हारे लिए लेकर आएगा। ओ थैंक यू मोंटू, अगर तुम मोनिका के लिए ला रहे हो तो अकेले मत लाना, नीलम मनीष के लिए भी ले आना। ओके? क्या इन दोनों के लिए? इन दोनों के लिए क्यों? इनके लिए क्यों मतलब? जैसे मोनिका के लिए वैसे इनके लिए भी। अगर तुम नहीं लाना चाहते तो ठीक है, मोनिका खुद लेके आ जाएगी। अरे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं लाता हूँ इनके लिए भी पिज्जा, बर्गर, पॉपकॉर्न, है ना? जो तुम्हारे लिए लाऊंगा वो इनके लिए भी। सो क्यूट। चल रोहित। हाँ आया। थैंक यू, वेलकम। मोनिका, मेरे बाजू में खून है। कहाँ है बॉम्ब? अरे वो असली वाला बॉम्ब नहीं, वो वाला बॉम्ब देखो मेरे बाजू में। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मजाक कर रहा था। बैठो तुम, बैठो। परियों ने हमें क्यों बुलाया पता नहीं। मानव महर, रानी परी ने हमें आपसे आपकी शक्तियां वापस ले जाने के लिए भेजा है। चिंता मत कीजिए बच्चों, आपकी ये शक्ति हमें केवल एक घंटे के लिए ही चाहिए। एक घंटे के लिए? लेकिन रानी परी को हमारी शक्तियाँ क्यों चाहिए? क्योंकि बालवीर, हमें अभी पता चला है महाविनाश की शक्ति लोग से नई शक्तियाँ प्राप्त करने गई है, और इसीलिए रानी परी चाहती है कि आपकी शक्तियों में और अधिक ऊर्जा भर दी जाए, और महाविनाशनी की बुरी शक्तियों के सामने आपकी अच्छी और सच्ची शक्तियों का संतुलन बना रहे। तो ठीक है भटकाती परी, मैं अभी आपके साथ परी लोग चलता हूँ, अब वही मुझसे मेरी शक्तियाँ ले लीजिएगा। चलिए आर पार परी।
नहीं नहीं बच्चों, आपको परी लुकाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी यहीं आपसे आपकी शक्तियाँ वापस ले लेंगे और आपकी शक्तियों को नई ऊर्जा प्रदान करके आपको एक घंटे में आपकी शक्तियाँ वापस दे देंगे। ठीक है आर पार परी, और वैसे भी हम जो फिल्म देखने वाले हैं वो भी लगभग 1.5 घंटे की तो होगी। हाँ, तो 1 घंटे तो ऐसे चुटकियों में बीत जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपसे आपकी शक्तियाँ वापस ले रहे हैं। सोने पे सुहागा। अब 1 घंटे के लिए नहीं होगी बालवीर के पास उसकी शक्तियाँ। ये तो हो गया मेरा काम एकदम आसान। अब ले जाऊंगा मैं बालवीर को आसानी से विनाश लोक। बालवीर को ही क्यों, आया हूँ यहाँ तो ले जाता हूँ बालवीर के साथ साथ मानव पैर को भी। मिल जाएगा बेचारे बालवीर को साथ अपने दोस्तों का तहखाने में। मोनिका ये लो। थैंक यू मोंटू। ओ वाओ, कर दिया तो तू कुछ सोचना उनका इकट्ठा करने के लिए। आइडिया। अब मोनिका तुम्हारी सीट वाली रो में ना खटमल है। हाँ, मैंने भी काट लिया। ये देखो खटमल। हाँ मोनिका, आगे की सीट में सचमुच खटमल है। देखो मुझे भी काट लिया। हाँ। मोनिका यहाँ नहीं बैठेगी, पकड़ अपना पॉपकॉर्न। मोनिका यहाँ। मोनिका पीछे बैठेगी। थैंक यू नीले मनीष, तुम लोग ने मुझे बचा लिया, वरना खटमल मुझे काट ही लेते। मोनिका सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। सॉरी मोनिका, आई एम सो सॉरी, गलती हो गई। Ha ha ha!
बिना सावन के बच्चे ने पूछे से नहीं ढूंढ पा रहा मैं मानव मेहरा और पल्लू को इस अंधेरे में। बस हो गया बहुत, अब तो करना पड़ेगा और या पार। जोकर हटना। बोला क्या तुमने? अरे हो रही भाई कोई मशकरा सब जाए। ये धोबा धोबा यहाँ क्या कर रहा है? कहीं महाविनाशनी ने तो यहाँ नहीं भेजा इसे। अभी तो मेरे पास मेरी शक्तियाँ भी नहीं है, कहीं ये दोस्तों को नुकसान ना पहुँचा दे। अरे चुप, अरे शांत हो जाओ। अच्छा नहीं मानोगे तुम इतनी आसानी से? हाँ अभी कर देता तुम सबको एक साथ। ये कैरेक्टर स्क्रीन से बाहर कैसे आ गए? पक्षी आ गई है? पक्षी कैसे चलचित्र से बाहर है? लगता हो गया है उल्टा असर मेरे स्थिर यंत्र का। हेलो रेड, हेलो जैक। हाय जैक। हाय। ए ए पक्षी, पक्षी सुनो, रुक जाओ तुम थोड़ी देर के लिए यहीं। कर लो मैं पहले अपना काम, फिर करता हूँ तुम्हारा कुछ इंतजाम, तुम्हारा ये चलचित्र शुरू करने का। है ठीक, रुको। बच्चों शांत हो जाओ, शांत चुप हो जाओ और सुनो मेरी बात। देखो है नहीं कुछ लेना देना मुझे तुमसे, चाहिए मुझे तो बस वो तीन बच्चे, मानव मेहर और पल्लू। मानव मेहर और पल्लू चलो आ जाओ अच्छे बच्चों की तरफ बाहर। आ जाओ चुपचाप बाहर वरना। अच्छा मानोगे नहीं तुम इतनी आसानी से, दिखाना पड़ेगा तुम्हें मेरा चमत्कार, फिर करोगे मेरे चमत्कार को तुम नमस्कार। देखा मेरा चमत्कार? अब भी नहीं आए तुम बाहर, करके कर लूंगा मैं कैद सब बच्चों को मेरे इस बंदी करने यंत्र में। बाहर निकलो जल्दी से मानो मेहर पल्लू। मानो मेहर पल्लू कहाँ है? आया नहीं कोई बाहर, नहीं कोई बात, अब आएगा। सुनाई दे रहा तुम लोग को ठीक से? वो बोल रहा मैं आखिरी बार आ जाओ जल्दी से बाहर। मैं जोकर बल्लू को क्यों पकड़ना चाहता है? रानी परी ने पावर बल्लू लल्लू को थोड़ी दी थी, खाली हम दोनों को दी थी ना? मुझे वो नहीं पता माना,
लेकिन इस जोकर को कैसे पता कि हम दोनों के पास मैजिकल पावर्स हैं? अरे उसे कैसे भी पता चल गया, पर डेढ़ घंटे तक हमारे पावर्स नहीं है, अब क्या करे पता नहीं। बचाओ वाल्वी, बचाओ चिल्ला, बचाओ। अरे नीचे उतारो उसे, अरे उसे नीचे उतारो। क्या हो रहा है? बना लूंगा अब तुम्हें बंदी मेरे इसी यंत्र के भीतर। रुक जाओ, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, हमारे दोस्त को छोड़ दो। अरे बल्लू लल्लू नीचे बैठ, जोकर हमें छोड़ेगा नहीं। नहीं मानू मैं, हमारी वजह से हम हमारे दोस्त को खतरे में नहीं डाल सकते, आगे जो होगा देखा जाएगा। अब आ जाओ जल्दी से बाहर, आ जाओ। अरे रे देखो है कैसे बन गए ये शेर मेरे सामने भीगी बिल्ली की तरह। आजा आजा, है तुम्हारे लिए पिंजरा तैयार यहाँ पर, आ जाओ। अरे रुको मत, आओ आओ। अरे वाह क्या शॉट मारा रेड, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों ऑडिटोरियम से बाहर भागो जल्दी। अरे गया कहाँ वो यंत्र, गया कहाँ? अरे ढूंढू कहाँ उसे मैं। भागो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा बाहर से बंद है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे सर? नहर बचो। मोनिका कुछ तो बोलो। बना दूंगा मैं सबको मूर्ति, नहीं छोड़ूंगा मैं। बस एक बार वो यंत्र मेरे हाथ लग जाए फिर ये तौबा तौबा कुछ नहीं कर पाएगा। पीछे पीछे बल्लू लल्लू, पीछे पीछे फटाफट। अरे चल चल चल, नहीं छोड़ूंगा, बना दूंगा सबको बंदी इस यंत्र के भीतर। हे अंकल, नहीं मैं तुम्हारा अंकल। देखो मैं अभी से नन्ना मुन्ना छोटा सा बच्चा हूँ, अभी तक तो दुनिया भी नहीं देखी अंकल। बहुत अच्छे मोंटू, तुम उसे पकड़ के रखो, मैं वो यंत्र ढूंढता।
भटकाती परी, हम अभी अंदर जाकर बल्लू, मानव और महर को बुलाकर लाते हैं ताकि हम उन्हें उनकी शक्तियां लौटा सके। रुक जाओ मोंटू, जाने दो उसे, मिल गया मुझे यंत्र। भटकाती परी, ये देखी, किसने प्रेक्षक गृह का द्वार बाहर से बंद कर दिया। अरे ये पंछी यहाँ कैसे? बालवीर, बालवीर ये सब हो क्या रहा है? और वो पक्षी कौन है? वो पक्षी एंग्री बर्ड्स है। हाँ, जिनका चलचित्र देखने के लिए हम यहाँ आए थे, वो उसी चलचित्र के किरदार है और वो चलचित्र से बाहर आ गए। क्या? हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन तौबा तौबा भाग गया। क्या? लेकिन परियो, आप मेरी शक्तियाँ यहाँ लेकर आई है तो जल्द से जल्द मुझे मेरी शक्तियाँ दे दीजिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे दोस्तों की मदद। चलिए मैं आपको आपकी दुनिया में वापस भेज देता हूँ। बालवीर जी, देखिए ना मोनिका को, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। मोनिका, मोनिका। चिंता मत करो मोंटू, मोनिका ठीक हो जाएगी। मोंटू बॉस, ये देखो, इसी यंत्र से उस छोटे जोकर ने मोनिका को फ्रीज किया था ना, तो शायद इसी यंत्र से मोनिका वापस नॉर्मल भी हो जाए। बालवीर जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं मोनिका को ठीक कर सकता हूँ? ठीक है मोंटू। लगता है इसकी बैटरी खराब हो गई है। अरे मोंटू, ये मैजिकल गैजेट है, इसमें बैटरी नहीं होती। मुझे दे। इस बार मैंने नहीं, नील ने तुम्हें बचाया है। थैंक यू नील, थैंक यू मनीष। बालवी, तो इस बार एक सेल्फी हो जाए। हाँ? रोहित, मेरा तो नसीब ही खराब है। अरे मोंटू रोहित, तुम लोग वहाँ पे क्यों बैठे हो? आओ आओ, सेल्फी ले लो। हाँ। अरे, 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 अरे